भाइयों, इस शहर का मेयर फिर से मैं ही बनूंगा। मेयर साहब, हम आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। इस बार मैं मेयर के इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। जॉन, तुम्हें वोट कौन देगा? तुम तो एक मुजरिम हो। सिंघम सर, अपराध बंद करने का एक ही तरीका है कि आप सब मुझे वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाए और विजय बनने के बाद मुझे मेयर बना दे। मेयर साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम कल से ही प्रचार शुरू कर देंगे। मैं एक बढ़िया स्पीच दूंगा, बहुत बढ़िया। बस ये मोटू पतलू अगर इनका प्रचार करेंगे तो मेयर तो इलेक्शन जीत ही जाएंगे। अरे छोड़ो, कैसे जीतेगा वो? टेंशन मत लो, मेरे शैतानी दिमाग में ढेर सारे तूफानी आइडियाज आते ही रहते हैं। पतलू, मैंने कभी स्पीच दी ही नहीं है, मैं बिना पढ़े स्पीच कैसे दे सकता हूँ? क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मोटू, मैंने एक अच्छी स्पीच लिख के टेबल पे रख दी है, उसे ही पढ़ लेना, बस तालियां ही तालियां बजेंगी। जय हो! मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, जल्दी से। ये सुंदर चिड़िया, ये कहाँ से आ गई? वाह वाह वाह, लगता है ये मेरे लिए गुड लक लेकर आई है। गुड लक नंबर वन, ये कागज लो और मोटू की स्पीच उठाओ और ये रख दो। ओके बॉस। देखना, मोटू मेरी लिखी हुई स्पीच पढ़ेगा और जूते खाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेयर साहब को ही वोट दीजिए, क्योंकि गली गली में शोर है, यहाँ का मेयर चोर है। गलती हो गई, गली गली में शोर है, यहाँ का मेयर चोर है। मोटू, ये क्या हो गया? सॉरी, लुटेरा ही नहीं, वो तो डाकू भी है। अरे मोटू, क्या बक रहे हो? इलेक्शन जितवाने आए हो या हरवाने? पता नहीं मेयर साहब, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है। तो दोस्तों, ये सिर्फ लुटेरा ही नहीं, डाकू ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बाहर सुनिए बम्बड़ वाले, नो आज तो ये मोटू पिटवाए गए। अरे ये सब कैसे हो गया? क्यों हो गया? तो मेरे दोस्त, ये सब क्या हो गया? तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, स्पीच तो तुमने ही लिखी थी। मोटू, मुझे तो लगता है ये किसी की चाल है, किसी ने कागज को बदल दिया है। अरे हमारे मेयर साहब ने कहा है ये सारे कंबल लोगों में बांट दो तो लोग खुश हो जाएंगे और हमें वोट देंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। ओह माय लकी बर्ड, तुम आ गए। उनके कंबल में ऐसा स्प्रे डाल दूंगा कि बस देखते रहना। आइए, मेयर साहब को वोट दीजिए। आप सबके लिए उन्होंने ये ढेर सारे कंबल भिजवाए हैं। हाँ, लीजिए। कैसी बदबू आ रही है इस कंबल से? अरे कितना पुराना कंबल लग रहा है। मारो। ये मेरा लकी मन है, मेरा ये प्लान भी सक्सेस हुआ। देखो, लोगों ने मोटू पतलू की कैसे धज्जियां उड़ा दी। अब अपने कंबल बांटो। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। जान को वोट दो, मैं तुम लोगों को
बहुत बढ़िया बढ़िया कंबल दूंगा मैं तुम लोगों के लिए। कंबल लाया हो, नमो नमो जो सबको कंबल बांटो। हाँ, देखो देखो ये अच्छे कंबल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जॉन अमर रहे, जॉन अमर रहे, जॉन जिंदाबाद, जॉन अमर रहे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे हराने में लगे हो। मेयर साहब आप ही सोचिए, हम भला आपको क्यों हराना चाहेंगे। ये जरूर किसी की चाल है, जरूर कोई हमें फंसा रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए मेयर साहब। अच्छा चलो, आज सब लोगों के लिए मेरी तरफ से खाना रखो, आज मेरा जन्मदिन भी है, सब इससे खुश हो जाएंगे। और इसके बाद मैं एक स्पीच दूंगा। आज हमारी तरफ से आप सब लोगों के लिए ये भोज रखा गया है। लकी बर्ड आ गए, लकी बर्ड आ गए। जल्दी जल्दी दवा मिलाओ। दोस्तों साथियों, आप लोग खाना खाइए, पेट भर के खाइए, फिर उसके बाद मेयर साहब की स्पीच सुनिए। ओके, फुरफुरी नगर वासियों, आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। टॉयलेट। मुझे भी। क्या मुझे भी। क्या बोले? मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्या चाहिए। टॉयलेट टॉयलेट। हमें टॉयलेट जाना है। टॉयलेट कहाँ है? अरे क्या खिला दिया खाने में, फूड पॉइजनिंग कर दी। टॉयलेट टॉयलेट। मोटू पतलू तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे रुको रुको भाई, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, जल्दी कुछ सोचो। तो सोचा हुआ है लकी बर्ड, अब देखना मेरा कमाल। दोस्तों आप लोगों ने अपनी अपनी खुली आंखों से सामने देखा कि आपको मेयर कितना उल्लू बना रहा है, पुराने कंबल दे रहा है, सड़ा गला खाना खिला रहा है। उसके ही आदमी उसे चोर बोल रहे हैं, लुटेरा बोल रहे हैं। आप किसको वोट देंगे? जॉन को, जॉन को, जॉन द डॉन, जिंदाबाद, जॉन द डॉन, जिंदाबाद। मेरी लकी बर्ड आ गई, अब तो मैं इलेक्शन जीत कर ही रहूंगा। साथियों अब मैं बताता हूँ मैं आप सबके लिए क्या क्या करूँगा। और मैं बताऊंगा कि आपने लोगों के लिए पहले क्या क्या किया है जो लोगों को पता ही नहीं है। आप कौन है सर? आपका फैन हूँ सर। कोई बात नहीं, लकी बर्ड है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो बताइए, लोगों को खुल के बताइए। अब तो ये लकी बर्ड बताएगा लोगों को। डॉक्टर छक्का रिमोट दबाओ। इसकी स्पीच बदल दो, कल देखो क्या मजा आएगा। कंबल में स्प्रे डाल देता हूँ, देखो कंबल का क्या मजा आएगा। ये कैसे हो रहा है? खाने में दवा मिला दो, बहुत मजा आएगा, सब टॉयलेट ही भागेंगे, मेयर को कोई वोट नहीं देगा। ये सब कौन कर रहा है? ये मैं नहीं हूँ, मेरी आवाज नहीं है, मैं नहीं हूँ। बाबा जॉन, ये तुम्हारे लकी बर्ड का कमाल है, ये पतलू ने पहले से ही तुम्हारे पीछे लगा दिया था, ये लकी बर्ड तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर रही थी। मारो जॉन को, छोड़ना नहीं इसे, मारो मारो, छोड़ना नहीं, मारो इसे, मारो। इसने मेरे को बनाया, मेरे साथ को बदनाम किया, वो तो मेरे साथ को दे दूंगा। ये रे, ये रे, ये रे। आपको कहीं देखा है? सिर्फ बाल नहीं दिख रहे हैं, मार खा खा कर गंजा हो गया हो। अच्छा तो आप जॉन भाई हैं क्या? और नहीं दोस्तों।
है देखा है देखा है यार। मैं ही हूँ जॉन, मैं ही हूँ जॉन, दाढ़ी वाला बाल वाला जॉन, तुम्हारा अपना चोर हमदर्द जॉन। आए लोगों, जॉन यहाँ है। बाबा चिंगम सर, मुझे जेल ले चलो। अरे माँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो जॉन, छोड़ो मुझे, तुम्हें करूँ की कसम, हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, छोड़ो मुझे। तो साथियों दोस्तों, आप बताओ, आप सब किसको वोट दोगे? मेयर साहब को। मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद। बंदर बंदर, तू कितना है सुंदर, खाना खिलाना ये सब बहुत हो गया, अब जरा काम पर लग जाओ। बंदर बेटा, मैंने तुम्हें जो जो जैसे जैसे सिखाया है बिल्कुल वैसा वैसा ही करना, करोगे ना? अरे पकड़ो, कोई पियर बंचिंगम इज हियर। ए जॉन, स्टॉप, स्टॉप इट इन द फ्लोर। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, रुक जाओ। ओए चिंगम को चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है, बोले तो ये इम्पॉसिबल है। अल्लाह मुंड बदलो, जल्दी आ जाओ, जॉन बैंक से चोरी करके भाग रहा है। ओके चिंगम सर। पतलो, वो देखो मंकी पोल में फंसा हुआ है, उसे करंट लग जाएगा, पहले उसे बचाना है। मुटु मेरी प्राइमरी है, लगता है बड़ा जोर का झटका लगा है, कितना सहमा हुआ है। देखो तुम्हारी गोद में इसे अच्छा लग रहा है यारी। अब करे तो क्या करे, उधर चिंगम सर बुला रहे हैं। डॉक्टर झटका, आप इसे संभालो, हम चिंगम सर के पास जाते हैं, चलो। अरे पतलू, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। डॉक्टर झटका, पहले आप इसे चेक कर लो, हम चिंगम सर के पास बाद में जाएंगे। बाबू रे, मुझे बतलाओ तुम लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? जॉन बात कर तुम्हारे घर की तरफ भी गया है, उसे छोड़ना मत। चिंगम सर, हम जॉन को पकड़ लेते, लेकिन अभी बंदर को बचाना है। ये वो बंदर? कौन बंदर? ये बंदर कहाँ से आ गया? मंगे बंदर, काम हो गया, निकल लो वहाँ से। बड़ा ही एहसान फरामोश बंदर की हमने देखभाल की। अरे मोटू, क्यों दिल पर लेते हो? मंकी था बेचारा बेजुबान बंदर, करंट लगने से डरा हुआ था, अचानक हमें सामने देखा तो और घबरा गया। पकड़ो, बचाओ, चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई, चोरी। फिर चोरी, सुबह हुई नहीं कि चोरी, मैं अभी आया। हेलो, हेलो मोटू, जल्दी आओ। पतलू जल्दी आओ, बैंक में जॉन ने फिर चोरी की है, मैं जा रहा हूँ। चलो। तो वही मंकी है जिसे हमने बचाया था, देखभाल की थी। हे ऊपर वाले, ये बेचारा तो पहले से ही घायल था, इसके साथ फिर ऐसा हादसा क्यों हुआ? मोटू पतलू, तुम दोनों फिर नहीं आए, कब आओगे? Well done my boy, काम हो गया, निकल लो। पतलो, लगता है मंकी ने हमें पहचान लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इंसान हो या जानवर, भावनाएं सबकी होती है। हेलो मंकी। मुझे मेरे पैर मेरी यार, देखा भावनाओं में बहने का असर, देखा वो बंदर नहीं मस्त कलंदर है।
यार, हमारा मजा ले रहा था, तुम्हारे चक्कर में हम भी थप्पड़ खा रहे हैं। अरे मोटू पतलू, मैं तुम दोनों से उम्मीद लगाकर बैठा रहा और तुम दोनों फिर नहीं आए। हर बार बंदर का बहाना बनाकर भाग जाते हो। Well done, मेरे शेर। तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरी ट्रेनिंग का मान बढ़ा दिया। तुम ऐसे ही मोटू पतलू को बिजी रखना और मैं चोरियां करता रहूंगा। मैं तुम्हें जी भर के केले खिलाऊंगा, बल्कि मैं अपने डेन में केले के पेड़ लगवा दूंगा। नंबर वन, नंबर टू, हमने अब तक कितने पैसे कमाए? बस बस, दिल थाम लो, कहीं झटका न लगे जाए। हमने सिर्फ आज की चोरी से 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। क्या? 10 करोड़? तो बात हो तो। ये सब कुछ मंकी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। नंबर वन, केले का जखीरा उठा लाओ और मंकी को खिलाओ। मंकी, जी भर के केले खा लो। कल हमें चकमक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी पर जाना है। तैयारी करो। चकमक भाया, अगर हल्ला कर दिया, देख लेना, चुपचाप वहीं खड़े रहो। अरे मारो सोनू। अरे चिंगम भाया, जॉन मेरी दुकान लूट कर भाग रहा है, कुछ कीजिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बंदर को ही पकड़ने निकल रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब जॉन को पकड़ने के लिए निकला हूँ। मोटू, पहले ये बताओ, तुम्हारे आसपास बंदर तो नहीं है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं है चिंगम सर, नहीं है। तो फिर जल्दी से आ जाओ, जॉन को पकड़ना है, चोरी करके अभी भागा है। ये देखो, लगता है ये बंदर हमें थैंक्स बोलना चाहता है, इसीलिए कार्ड लेकर आया है। अरे बंदर भैया, तुम तो मुझे ट्रेंड लगते हो, क्या तुम सर्कस के बंदर हो? मंकी दोस्त, क्या तुम बोल भी सकते हो? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जाओ, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसी बात पर मैं तुम्हें समोसे खिलाता हूँ। चाय वाले भैया, मेरे नए मंकी दोस्त को समोसे खिलाओ। पता है ये बोल भी सकता है। क्या बकवास कर रहे हो? बंदर चला हंस की चाल। अरे बंदर कैसे बोलेगा? हाँ, अरे मार डाला। अरे मोटू पतलू, अरे इसको रोको, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा सच्ची में। Hey John, stop! Stop in the name of law! चिंगम के चंगुल से बचना ये impossible है। मोटू बदलो, जॉन यहाँ से भाग कर गया और तुम लोग चाय नाश्ता में लगे हो। चिंगम सर, meet the monkey। मंकी, चिंगम सर को हेलो बोलो। अरे माँ, एक बंदर कैसा बोलेगा? ये तो जानवर है, जानवर हमारे लैंग्वेज में कैसे बात कर सकता है? काम हो गया बेटा, कम बैक सून। सुनो, आप सब लोग काल सामने करो। काल सामने करो? पतलू, लगता है ये हमें किससे देना चाहता है। ये लो दोस्त। ये बंदर कोई मामूली बंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार इसका हमसे मिलना और उसी टाइम पे जॉन का चोरी करके भागना, दोनों में कुछ न कुछ कनेक्शन है। हमें उसका पीछा करना होगा, तभी असलियत का पता चलेगा। समझ गए ना, हम करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे और मैं डॉन बन जाऊंगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके। जॉन ने एक मासूम बंदर को भी नहीं छोड़ा, उसे अपनी चाल में शामिल किया। अब मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा, पर क्या करूंगा? पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो ना। आइडिया। मजा आ गया,
मंकी गुड 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 नंबर वन नंबर टू अपना छोटू मंकी भाग गया तो क्या हुआ इन्हें केले खिलाओ और काम पर लगाओ हमें काम पता है हम चोरी करेंगे और तुम बिजली की तार पर लटकोगे फिर रोड पर लेट कर तड़पना है बॉस बॉस ये तो पहले से सब जानते हैं पर उल्टा क्यों बोल रहे हैं ये चोरी करेंगे और आप लटकोगे पर इनको इतना सब कैसे पता मोटू की पांच की मंडली और ये भी पांच कौन हो तुम लोग अरे सांच को आंच क्या अब तुम्हारा बंदर बनने का टाइम आ गया है जाओ को उठने का एक मौका तो दो प्लीज चिंगम सर हेल्प तुम सारी चोरी का पैसा ले लो और मुझे जेल में डाल दो अरे घूरना बंद करो पहले सब्सक्राइब करो